संसद में नोटबंदी पर लगातार तीसरे दिन भी संग्राम छिड़ा हुआ है। संसद के दोनों सदनों में आज सीन कुछ अलग नजर आया। कल तक सरकार पर हमलावर विपक्ष गुलाम नबी आजाद के बयान को लेकर आज बैकफुट पर है। राज्यसभा में बीजेपी सांसद आजाद के नोटबंदी के दौरान हुई मौतों की उड़ी हमले से तुलना करने वाले बयान को लेकर विपक्ष पर हमलावर है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के बयान को लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाया और बार बार प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति को भी गलत ठहराया है। तुरंत चर्चा शुरू करो, हमको कोई आपत्ति नहीं। पूर्व कह रहे कुछ एडजर्नमेंट मोशन के नाते चर्चा होना चाहिए। एडजर्नमेंट मोशन का अर्थ क्या है? जो बाकी बिजनेस अलग रख के तुरंत एक विषय के बारे में चर्चा करना, यही एडजर्नमेंट मोशन होता है। सरकार ने कहा हम तैयार है, मोशन का नाम क्या है वो विषय नहीं ना, काम क्या है उसके बारे में सरकार ने चर्चा करने के लिए अपना संसिद्धता व्यक्त किया है, स्पष्ट कर दिया है। मगर क्यों विपक्ष मुख्य रूप में कांग्रेस और उनके मित्र हंगामा कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रही। राज्यसभा में एक दिन बहस हुआ, बढ़िया हुआ, अच्छा बहस हुआ। कुछ विपक्ष ने सरकार का बहुत आलोचना किया है और कुछ लोगों ने कुछ सुझाव दिया है। सरकार के ओर से भी हम लोग एक दो लोग बोले, सरकार क्या कर रहे हैं हमने बताया। फिर अचानक कांग्रेस को क्या हुआ हमको पूरा समझ में नहीं आ रहे। एकदम यू टर्न लेके अभी कह रहे प्रधानमंत्री आए नहीं तो जेपीसी बने। पहले बहस करो ना, बहस करके अंत में आपका मांग क्या है डिमांड कर सकते हैं। मगर इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए प्रयास हो रहा है ऐसा हमारा अनुमान है, और उनके पास थोड़ा दम कम है ऐसा लग रहा है। कारण क्या है? उनके पास सच्चे नहीं है, जनता उनका साथ नहीं है, पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ जा रहे, इसलिए वो अभी बहस नहीं चाहते ऐसा हमको लग रहा है। अदरवाइज कोई कारण नहीं था ना राज्यसभा में एक दिन पूरा होने के बाद फिर पीछे या हटके, नहीं प्रधानमंत्री रहे तभी चर्चा होगा। 1952 से लेकर अभी तक पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट्स है, सिस्टम्स है, और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कोई सवाल का जवाब देना है तो संबंधित मंत्री देंगे, और मौलंकर जी ने स्पीकर था, फर्स्ट स्पीकर, फेमस स्पीकर, उनका रूलिंग भी है। तो फिर भी बहस चले, उसके बाद रिमांड करे सर उत्तर देते समय प्रधानमंत्री रहे तो अच्छा होगा, सुझाव भी दे सकते हैं। मगर प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करना हाउस में और बाकी लोगों को बोलने नहीं देना, बिजनेस चलने नहीं देना, ये कहाँ तक उचित है? कृपया विपक्ष और उनका समर्थक लोग इसके बारे में गंभीरता से सोचे तो अच्छा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है ये इन्होंने देश को 50 साल राज किया देश में और स्थिति पूरा खराब कर दिया, और वो देश में जो साधारण आदमी आम आदमी का हालत उन्होंने खराब करने के बाद अभी जो पार्लियामेंट को नहीं चलने देने से उसी रास्ते पे अभी भी आगे बढ़ना चाहते वो ऐसा लग रहा है। तो प्रधानमंत्री जब भी ज़रूरत पड़े तो तभी वो हमेशा इंटरवेन करते थे, अपना जो भी कहना कहते थे, अभी तक वही होते रहा। मगर उसको एक इश्यू बना के उसका नाम पे सदन को स्थगित कराना अच्छा नहीं है, और ये लोगों के बारे में अपना व्यथा बताना चाहते, अपना शिकायत बताना चाहे तो बताए, और मगर मुझे ऐसा लग रहा है वो केवल दिखावों के लिए उसके बारे में बाहर चर्चा कर रहे हैं, मगर अंदर चर्चा करने के लिए समाधान लेने के लिए वो तैयार नहीं है। ये हम सरकार हम बहुत उत्सुकता से श्रद्धा से हम लोग वेट कर रहे थे। जो सरकार ने जो कई कदम उठाया नवंबर 8 के बाद जनता का समस्याओं को समाधान करने के लिए, इससे भी और कोई बेहतर सुझाव आएगा विपक्ष का या तो पार्लियामेंट का बहस के संदर्भ में, ऐसा हमने एक्सपेक्ट किया। मगर विपक्ष ने हमको
डिसअपॉइंट किया और देशवासियों को भी डिसअपॉइंट किया है. दे जस्ट वॉन्ट टू कवर देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग एक्सपोज्ड ओवर देयर ऑब्जेक्शंस टू क्लीनिंग अप द सिस्टम. द ऑब्जेक्शन इज इट द ऑब्जेक्शन टू क्लीनिंग अप द सिस्टम? आर यू अगेंस्ट क्लीनिंग अप द इकॉनमी ऑफ द कंट्री? Are you against the government's action of taking action against the corrupt and hoarders? Or are you more concerned about the problems temporarily faced by the people? Come clean. Make your stand clean. This is what we are saying. Having agreed for a debate, having given a notice, having participated in debate one day in Rajya Sabha, having seen one purposeful debate, now you feel that you have halo of ideas, you can't face the government. So you are now trying to find excuses in order to thwart the debate. That is the humble impression of the government. Friends, the contrary to some media and political speculation that the parliament will not function over note withdrawal issue, Rajya Sabha had a productive session on the first day and the debate and the issue was clinched. But Congress was rattled by the fact of smooth progress in the matter. They somehow want to keep the pot boiling, so the disruption of parliament, that is the impression that is gaining ground. How can any responsible MP or leader compare the cross-border terrorist killings with the hardship over money exchange? सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के बार बार पीएम मोदी के संसद में बोलने की मांग पर पलटवार के लिए सरकार ने अब गुलाम नबी आजाद के बयान को लेकर किसी भी तरह की नरमी न दिखाने का फैसला लिया है. साथ ही आजाद से बिना किसी शर्त माफी की मांग की है. NMF News की रिपोर्ट.